होता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कैंडल चार्ट ही यूज करा जाता है। ये होता है लाइन चार्ट और यहाँ पे क्लिक करके एक होता है कैंडल चार्ट, एक बार चार्ट में बार चार्ट रेयरली कोई यूज करता है। तो बस बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कौन सा यूज चार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कैंडल का चार्ट पे एक वीडियो बना चुकी है मैंने अपने चैनल, वो आप चेक कर सकते हो डिटेल में कि क्या होते हैं कैंडल चार्ट, क्यों यूज करा जाता है मोस्टली। तो अगर आप बात करोगे, अगर आप बिगिनर्स की बात करोगे, तो बिगिनर्स को हमेशा पसंद होता है लाइन चार्ट के साथ जाना, क्योंकि लाइक उनको थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है वो चीज़। बट यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेड है या फिर जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैंडल जिस चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, वो कहीं ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट। आप अगर मैं गूगल की डेफिनेशन दिखाऊँ सिंपल पे, यहाँ पे लाइन चार्ट ओनली प्लॉट वन टाइप ऑफ प्राइस ओवर स्पेसिफिक पीरियड बाय कंपेरिजन, ओके यहाँ पे पीरियड। तो बेसिकली इसका मतलब ये कहने का तो जैसे अगर जैसे लाइन चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ये डॉट है, तो आप इसको आइडिया लगा सकते हो देख के भी। यहाँ पे जैसे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे अप गया प्राइस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस ये अप गया है, ठीक है, अभी बिल्कुल प्राइस ना अप हो रहा है डाउन चल रहा है, बिल्कुल एक लिमिट में चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद आपको सिर्फ इस पॉइंट डॉट की तरफ से आपको पता चल जाएगा कि चार्ट अप जाएगा डाउन जाएगा, तो आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते इस चीज में। वहीं अगर बात करें कैंडल स्टिक चार्ट में, उसमें होगा बाय कंपैरिजन, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट प्रोवाइड दी मोर इन्फॉर्मेशन एंड वाइडली यूज्ड टू शो दी मोर कंप्लीट आइडिया ऑफ स्टॉक प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक इंक्लूड ओपनिंग हाई लो क्लोजिंग प्राइस। इसमें बहुत सारे आपको देखने मिलती है, फॉर एग्जाम्पल उसका हाई प्राइस लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस एंड हर एक टाइम के बेल पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखना मिल रहा है यहाँ पे बस कैंडल चार्ट है, जैसे कि वहाँ पे उसकी बात करूँ तो गाइस ये रहा उसका यहाँ पे जो ये स्टार्ट हुआ है, ये रहा उसका ये क्लोजिंग ये स्टार्टिंग पीरियड, ये जो इस एरिया पे ये उसका लोएस्ट पॉइंट, ये है उसका क्लोजिंग पीरियड, यहाँ पे वो जा सकता है मैक्सिमम। आपको एक कैंडल में उसकी पूरी जो ये यहाँ पे एंटिटी है इसका पूरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पता चल गया कि क्या उसकी परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पे देखने मिल रहा है उसका लोएस्ट इतना जाएगा, मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो मतलब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल आई क्योंकि ये प्राइस बढ़ सकता था, तो यहां पर ग्रीन कैंडल आई, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा आइडिया पे लगना शुरू हो जाता है अगर आप एक्सपीरियंस हो। तो ऑब्वियसली आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट से आप स्टार्ट करें, बेसिक जो बंदा सीखना चाहता है इस चीज को। तो मतलब ऑब्वियसली 100% या एक्यूरेट नहीं होता, लाइक मोस्ट ऑफ द 80% टाइम यहाँ पे आपको अगर आप बस ये इस कैंडल को अगर आप एनालाइज कर पाओगे अच्छी तरह, तो आपकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है मोर देन 80%। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, तो आप इस चीज को पक्का ध्यान में रखें और इसको अपने डे टू डे लाइफ में आपको इस पर एक्सपेरिमेंट करें, अपनी जो ट्रेडिंग करते हो उस चीज में। तो वैसे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, थोड़ी आपको इस चीज से नॉलेज मिली, चैनल को पक्का लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब पक्का करना ना भूलें। लव यू गाइस, पीस आउट।